मंदसौर नगर पालिका अध्यक्ष राम कोटवानी की कार्य प्रणाली से नाखुश सफाई कर्मचारी अब अध्यक्ष के खिलाफ लामबंद हो गए। स्वच्छता सप्ताह में सर्वे के दौरान अध्यक्ष ने 100 दिन से अधिक सफाई कर्मियों को कार्य में लापरवाही का हवाला देते हुए निलंबित कर दिया। सफाई कर्मियों ने पहले तो मामले में अध्यक्ष से बातचीत कर हल निकालने की सोची, जब नपा अध्यक्ष राम कोटवानी ने यह साफ कर दिया कि वे लापरवाही पर कोई समझौता नहीं करेंगे, तो अध्यक्ष के रवैये से नाराज स्थायी और अस्थायी सभी कर्मचारियों ने अध्यक्ष के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। सफाई कर्मियों का कहना है कि अध्यक्ष बेवजह सफाई कर्मियों को परेशान कर रहे हैं। सोमवार को सभी सफाई कर्मियों ने राष्ट्रीय सफाई मजदूर संघ नगर शाखा मंदसौर के बैनर तले मामले की शिकायत जिला कलेक्टर को करते हुए ज्ञापन सौंपा। अपनी 3 सूत्रीय मांगों के निराकरण की बात करते हुए सफाई कर्मियों ने चेतावनी दी है कि अगर आगामी 72 घंटों में मामले का निराकरण नहीं होता है तो नगर के तमाम सफाई कर्मी कार्य बंद कर विरोध दर्ज करेंगे। मंदसौर संवाददाता देवेंद्र मौर्य की रिपोर्ट। जाते तक मेरे अंदर आने की जरूरत नहीं, मेरे चैम्बर में के अंदर बताओ, अंदर आने नहीं देता वो चपरासी से कहता है कि इनको अंदर आने देगा तो इन कुमार को भी भगा दूंगा मैं। कौन बोलता है? अध्यक्ष बोलता है, अध्यक्ष साहब बोलते हैं, अध्यक्ष साहब बोलते हैं, हमारे को अंदर चेयरमैन में तक नहीं आने देता है, चैम्बर में नहीं आने देता। भगाता है, डायरेक्ट भगाता है, वो चपरासी से बोलते जावा कि इनको अंदर आने का तो तुम्हारे को भगा दूं। ये क्या हमारे, क्या ये है क्या हमारा अध्यक्ष, क्या काम का हमारे अध्यक्ष है? गरीब का सबका गले काट रहा होता डायरेक्ट, ऐसा अध्यक्ष हमारे को नहीं चाहिए। ये मेरे को, मैं दुकान पे खड़ी थी, मैं 9:30 बजे काम करके डबल और सफाई हफ्ता मेरे दो हल्के से ही चला था 9 तारीख से। मैं काम पे खड़ी, मैं दुकान पे खड़ी तो क्या करके भाई तो के इसको सस्पेंड करियो, क्या तरीका है क्या अध्यक्ष का? काम पे मेरे हल्के से, मेरी सीमा से मैं बाहर भी खड़ी हो जाती ना हल्के से तो मेरे को करता तो मेरे को दिल में लगती। मेरे को तो जितना परेशान करा नहीं, अध्यक्ष ने मेरे को पहली बार परेशान करा और पहली बार अध्यक्ष देखा हमने। आज मेरे 15-16 साल की सर्विस है, रिकॉर्ड अलग खराब करवा दिया है। आज ये जो प्रदर्शन है इस बात को लेके किया गया है कि पूर्व में भी हम लोगों ने जिस प्रकार से अध्यक्ष जी द्वारा वाल्मीकि समाज के सफाई कर्मियों को आए दिन हर जगह जाना और उन्हें निलंबित करना और उनके काम से बिठा देना, जबकि आप ये देखो कि पूरे भारतवर्ष में वैश्विक बीमारी कोरोना की चल रही है, उसके अंदर वाल्मीकि समाज की अहम भूमिका रहती है। आज अगर कोई कोरोना का मरीज है वो अपने कपड़े गंदे फेंक देता है या सैनिटाइजर से पोंछ के कपड़े फेंक देता, उसे उठाना, गंदगी को साफ करना, नाले में उतारना, ये वाल्मीकि समाज इस प्रकार से काम करता है। आप देखो अनेक सामाजिक संस्थाओं ने भी वाल्मीकि समाज को पुष्प मालाओं से उनका स्वागत किया, कई जगह पुष्प मालाओं पुष्प फेंक कर उनका स्वागत किया इस प्रकार से। और ये अध्यक्ष जी, एक पहली बार हमें बड़े दुख की बात है ऐसा देखने को मिल रहा है कि इस प्रकार से किसी वैश्विक महामारी में हमारे इन सफाई कर्मियों को वो आए दिन निलंबित कर रहे हैं। इस प्रकार 114 कर्मचारियों को वो निलंबित कर चुके हैं। अभी हमने हाल ही में आज निर्णय लिया है कि 72 घंटे का हम अल्टीमेट दे रहे हैं कि अगर उसके अंदर उन्होंने, अगर हमारे जितने भी कर्मचारी बिठाए अगर वापस नहीं लिए, उसके बाद उसमें 2-3 और हमारी मांगे पूरी नहीं की तो काम बंद। जब तक हम काम नहीं करेंगे जब तक हमारी मांगे पूरी। जो खानदानी रईस है वो मिजाज रखते हैं नर्म अपना, दौलत तुम्हारी बता रही है, लहजा तुम्हारा बता रहा है दौलत तुम्हारी नहीं है। जिस तरह के हालात इस मंदसौर में सफाई कर्मचारियों के प्रति, जो सबसे निचले का कर्मचारी हो, निचले स्तर का कर्मचारी है, उसके प्रति जो नगरपालिका अध्यक्ष के द्वारा जो बर्ताव किया जा रहा है वो बहुत निंदनीय है। जहाँ पे पूरा विश्व सफाई कर्मचारी को कोरोना योद्धा के रूप में मान और सम्मान दे रहा है, कोई ताली बजा रहा है, कोई थाली बजा रहा है, कोई फूलों से सम्मान कर रहा है, कोई नोटों की माला पहना रहा है, लेकिन एक तरफ हमारे नगरपालिका के सम्मानित अध्यक्ष वो जब वार्ड में जाते हैं तो वहाँ पे जो काम करने वाला कर्मचारी होता है, मेरे पीछे एक बहन खड़ी हुई है वो ऑन स्पॉट जब काम कर रही थी वहाँ पर भी इनको निलंबित कर दिया जाता है। जिस तरह का बर्ताव नगर पालिका काम करते हुए को निलंबित करना, मतलब मैं कह रहा हूँ कि ये कौन सा, क्या हिटलर के बाद में क्या हमारे माननीय अध्यक्ष महोदय आए हैं? इस तरह का बर्ताव बिल्कुल भी ये सहन करने योग्य नहीं है। 8 जुलाई को हमने इनको ज्ञापन दिया था जिसमें मांग की गई थी कि उक्त जो इतने भी निलंबित 100 से अधिक कर्मचारियों को निलंबित किया गया है उनको पूर्ण फिर से पुनः कार्यस्थल पर लिया जावे।
आज वो समय अवधि पूर्ण हो चुकी है। इसको लेकर के आज हम फिर से सुशासन भवन माननीय कलेक्टर महोदय को ज्ञापन देने जा रहे हैं कि वो अब इस बीच में आए और इसका पटाक्षेप करें, अन्यथा हमने 72 घंटे में बहुत विवश होकर भारी मन से, हम भी नहीं चाहते कि कोई व्यवस्था शासन की या प्रशासन की कोई अस्थिर हो, लेकिन 72 घंटे बाद यदि हमारी मांगे नहीं मानी जाती है तो पूर्ण रूप से मंदसौर का सफाई कार्य बंद कर दिया जाएगा। संदीप सलोद। कोरोना काल में हर बड़ी खबर पर है न्यूज प्लस 24 की पैनी नजर। क्षेत्र की सबसे बड़ी खबरों की जानकारी के लिए देखते रहिए आपका क्षेत्रीय न्यूज चैनल न्यूज प्लस 24। क्षेत्र की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए न्यूज प्लस 24 के साथ। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। बेल आइकन पर जाएं और सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल न्यूज प्लस 24 को और पाइए सबसे पहले क्षेत्र की सबसे नई रोचक खबरें। YouTube चैनल के साथ ही आप टीवी चैनल पर भी ले सकते हैं क्षेत्रीय खबरों की जानकारी। जनता के मुद्दों को प्राथमिकता से उठाता रहा है न्यूज प्लस 24। आगे भी बना रहे आपका सहयोग। ज्यादा जानकारी के लिए करें YouTube चैनल न्यूज प्लस 24 को सब्सक्राइब या RSC डिजिटल गरोड़ न्यूज चैनल पर देख सकते हैं प्रसारण रात 9 बजे, सुबह 8 बजे व दिन में 12 बजे प्रसारित होता है समाचार बुलेटिन। साथ ही यदि आप देना चाहते हैं कोई सुझाव तो करें कमेंट बॉक्स में कमेंट। न्यूज प्लस 24, सच्चाई आप तक।